चीन अपनी रक्षा नीति को लेकर बड़े कदम उठाने से हिचकता नहीं है। इसी क्रम में अब ये देश एक बड़े जहाज को समंदर में उतारने जा रहा है, जिसे मैजिक आइलैंड मेकर का नाम दिया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा जहाज है। इस जहाज के जरिए कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जा सकता है, जैसा कि दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा 2015 में बनाया गया था। इस जहाज को शुक्रवार को पूर्वी जियांगसू के बंदरगाह पर लॉन्च किया गया। तियान कुनहाओ नाम की नौका एक घंटे के भीतर 6000 क्यूबिक मीटर यानी 3 स्विमिंग पूल के बराबर की खुदाई करने की क्षमता रखती है। पीपल्स डेली के अनुसार 460 फीट लंबे और 27.8 फीट चौड़े तियान कुन पानी के अंदर की चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर रेत और बालुओं को हटा कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर सकता है। ये जहाज समुद्र के भीतर 115 फीट तक की गहराई में खुदाई कर सकता है। मैजिक आइलैंड मेकर के नाम से उल्लेख करते हुए एक अखबार ने लिखा कि आगामी जून में इस जहाज का परीक्षण पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये इस तरह का एशिया का सर्वाधिक ताकतवर जहाज होगा। चीनी मीडिया ने दावा किया है कि तियांग जिन ने 2015 में 18 महीने के भीतर 7 कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया था। तियांग जिन की तुलना में तियांग कुन 1.3 गुना अधिक सक्षम है, यानी ये एक साल में 9 कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर सकता है। आपको बता दें कि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इसके कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। टीम इंडिलिंक्स।